Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching We Love-ish. बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको लगता है उनकी जमीनें एक्वायर होने वाली है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट वहां से निकल रहा है उनके आसपास से, या फिर जिनकी जमीनें ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी हैं, लैंड एक्विजिशन अपील्स होती हैं, उसके अलावा उनके एनहेंस्ड अमाउंट को निकालने के लिए इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो आज हम लोग ड्राफ्ट कर ही रहे थे। मैं इनको मोड़ मोड़ के इसलिए रखती हूँ ताकि आप किसी की भी पर्सनल डिटेल्स ना देख पाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वो सभी लोग जिनको लगता है कि उन्हें कोई कंफ्यूजन है इस बात से कि जब जमीनें एक्वायर होंगी तो क्या होगा, किसके पास जाए, पैसा कम मिला तो क्या करेंगे, अगर फिर भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो क्या होगा, रेफरेंस कोर्ट का अवार्ड आ गया तो अब क्या होगा, क्या मैं हाईकोर्ट जा सकता हूँ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, या फिर अगर मुझे रेफरेंस कोर्ट ने मेरा अमाउंट बढ़ा दिया था बट सरकार ने अपील डाली तो अब क्या मुझे बढ़ा हुआ अमाउंट नहीं मिलेगा, क्या मुझे वेट करना पड़ेगा इस अपील के डिसाइड होने का। तो बस इतनी सी बात है कि इस सबका जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। जनरली मुझे ये वीडियो आज सुबह से शुरू करनी चाहिए थी पर मैं नहीं कर पाई, भूल गई, नहीं कर पाई क्या। और अभी अभी मैंने इस वीडियो को जब पहले रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो पूरी मैंने देखा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं बीच में जाके अपने आप बंद हो गई थी, बैड लक। एनीवे मैं कह रही हूँ सुबह से स्टार्ट करनी चाहिए थी क्योंकि आज काफ़ी सारी फ्रेश फाइलिंग्स के लिए फाइल्स को प्रिपेयर करना था और वो सारी थी लैंड एक्विजिशन अपील से रिलेटेड। लैंड एक्विजिशन से मेरा मतलब है भूमि अधिग्रहण, यानी कि जब सरकार या सरकार की कोई एंटिटी आपकी जमीनों को अक्वायर करती है, आपकी लैंड को अक्वायर करती है फॉर अ पब्लिक पर्पस। दैट पब्लिक पर्पस में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट्स से अ डैम, हाईवे, आपके यहाँ से कोई हाईवे निकल रहा है, कोई सड़क निकल रही है और उसके लिए आपकी लैंड अक्वायर हो रही है। बहुत बार ये लैंड्स वो होती हैं जो गांव के पास की, रूरल एरियाज के पास की लैंड है। दिल्ली के पास भी बहुत सारे रूरल एरियाज लगते हैं, दिल्ली में अंदर बहुत सारे रूरल एरियाज लगते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मैटर्स आपको दिल्ली हाईकोर्ट में और भी हाईकोर्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट से डील करते हैं इसलिए आपको बार बार ये नाम सुनने के लिए मिलता है। एनीवे, सो दीज आर दी लैंड एक्विजिशन अपील्स। लैंड एक्विजिशन, व्हेनेवर अ लैंड इज अक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पस, व्हाट हैपेंस इज दी कलेक्टर, द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर gives you an award, because आपकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा तो देंगे ना, आप वो जमीन किसी और को बेचते तो आप उससे कुछ पैसा लेते, पैसा कमाते, इसलिए वो भी आपको कॉम्पेंसेशन देते हैं। जनरली बहुत सारे केसेस में, हर केसेस में ऑलमोस्ट लोगों को वो कॉम्पेंसेशन पसंद नहीं आती तो वो उसकी अपील लेके रेफरेंस कोर्ट जाते हैं। रेफरेंस कोर्ट में यही होता है जनरली कि अपील में पैसे बढ़ जाते हैं, वो भी पसंद नहीं आते तो लोग अपील में हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जब ये एपेलेट कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे अपील की लिस्टिंग बहुत देर से होती है। नाउ बिकॉज द अपील टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन लिस्टिंग एंड इन डिस्पोजल, इट टेक्स अराउंड समवेयर अराउंड 5 to 7 ईयर्स और मे बी मोर देन दैट। इन द मीन वाइल यू डेफिनेटली वॉन्ट टू गेट द अमाउंट दैट हैज बीन एनहेंस्ड बाई द रेफरेंस कोर्ट इन योर फेवर, है ना। कलेक्टर ने जो अमाउंट दिया था उससे ज्यादा रेफरेंस कोर्ट ने अवार्ड दिया, जैसे ही रेफरेंस कोर्ट ने अवार्ड दिया सरकार उसके अगेंस्ट अपील में चली गई। अब आपको वो पैसा नहीं मिल पाया अभी तक, क्या उसे लेने का कोई रास्ता है? तो बिल्कुल यही रास्ता है, इसी तरह के मैटर्स फाइल करके इनफैक्ट आप एक एप्लीकेशन लगा के अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, काफी अच्छे से इस मैटर को भी पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, रजिस्ट्रार जनरल के पास ये मैटर्स लगते हैं और इसको आप पूरा प्रिपेयर करके, पूरा तैयार करके वहां पे प्रे कर सकते हैं कि मुझे हाईकोर्ट ने ये अनुमति दी है कि मैं इस पैसे को निकलवा पाऊं अपने यूज के लिए क्योंकि मुझे इसकी अर्जेंट नीड है। तो इस ऐसे करके आप कुछ टाइम में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन अ फ्यू मंथ्स यू कैन गेट द एनहेंस्ड अमाउंट। लेट्स से कि आपका पहले जो अवार्डेड अमाउंट था वो था 50 लाख और रेफरेंस कोर्ट ने आपका अमाउंट बढ़ा के कर दिया 70 लाख, तो आप वो 20 लाख रुपए जो हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले थे वो आप निकलवा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव अ डायरेक्शन एन अंडरटेकिंग। यू ऑफकोर्स कैन नॉट गिव एन डायरेक्शन, प्रोवाइडेड यू गिव एन अंडरटेकिंग टू द कोर्ट कि अगर इस अपील में मेरा अमाउंट कम हो जाता है, जो कि जनरली होता नहीं है, तो मैं ये पैसा वापस दूंगा या दूंगी। तो बस इसी तरह से कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स, इंडेमनिटी बॉन्ड्स लगा के, उसके साथ में एफिडेविट्स लगा के, कुछ नेसेसरी एप्लीकेशंस लगा के आप वो पैसा हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पास से निकलवा सकते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल केस की तरह से चलता है, बिल्कुल वैसे ही लैंड एक्विजिशन अपील्स में जैसे डेट्स पड़ती है वैसे यहाँ भी डेट्स पड़ती है। यहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को नोटिस किए जाते हैं आपके कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के
अगर आप दिल्ली से हैं तो, अगर आप नॉर्थ वेस्ट से हैं तो नॉर्थ वेस्ट को किए जाएंगे, अगर आप ईस्ट से हैं तो ईस्ट को किए जाएंगे। वो होने के बाद, आपकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ये पैसा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपके कैंसल चेक, आपके बैंक डिटेल्स, आपके आधार, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके बहुत सारे एफिडेविट्स लगते हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ जो भी रीजन दे रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, बिकॉज लाइंग ऑन एन एफिडेविट इज डेफिनेटली एन ऑफेंस अंडर द इंडियन लॉ। तो बस कुछ इसी तरह के मैटर्स मैं कर रही थी फाइल, तो मुझे लगा आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। आप में से जो भी लोग हैं जो इसमें बहुत कंफ्यूज थे, या जो भी फेलो एडवोकेट्स भी हैं, कभी कभी जब हम नई नई चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने भी करनी शुरू की थी तो मुझे बहुत लोगों ने इसमें बहुत हेल्प करी। ये जनरली बड़े टेक्निकल तरीके के मैटर होते हैं, बहुत अलग तरीके के क्लाइंट्स भी होते हैं, आपको उन्हें समझने में ही बहुत समय लग जाता है। बट दीज आर सम मतलब लैंड एक्विजिशन अपील में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज सर्टेनली वेरी गुड। एंड ऑल दोज पीपल हु आर कंसर्न्ड कि मेरा जो पैसा बढ़ाया है निचले कोर्ट ने, विच इज अ रेफरेंस कोर्ट, उसको मैं कैसे निकालूं, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल। एक और बात है, इन मैटर्स में एक कन्फ्यूजन रहती है, मैं जैसे जैसे आगे आगे साइन कर रही हूँ मुझे ध्यान आ रहा है, वो ये रहती है कि सरकार ने अपील कर दी, लेकिन मुझे तो लगता था रेफरेंस कोर्ट ने जो अमाउंट दिया है वो कम है, सरकार ये अपील लेके चली गई है कि नहीं जी वो अमाउंट ज़्यादा है बल्कि और कम किया जाए, तो क्या मेरा राइट बचता है अब अपील करने का? तो येस डेफिनेटली, इवन इफ द गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड दिस अपील, आप भी अपील में जा सकते हैं अलग से। दो अपीलें ऐसे चल सकती हैं वहां पे, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको बहुत ही आम भाषा में सरल तरीके से समझा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इन केस से जो अफेक्टेड होते हैं वो बड़े आम लोग होते हैं जिनकी ज़मीनें एक्वायर हो जाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जेवर एयरपोर्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां पे भी आसपास लोगों की बहुत ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, लोगों को जो अमाउंट एज कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है वो भी जस्ट एंड रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो वो लोग भी डेफिनेटली कलेक्टर से तो सेटिस्फाइड होंगे नहीं, वो भी रेफरेंस कोर्ट भी जाएंगे, फिर हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन विद इन द कोर्स ऑफ योर लिटिगेशन बहुत काम आने वाली है। अपने प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि एक बार आपको किसी ने किसी कलेक्टर ने एक अवार्ड दे दिया तो बस उतना काफ़ी होगा। जब आप हाई कोर्ट में जाते हर स्टेज पे ऐसा होता है, पटवारी से सबसे ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कराई जा सकती है। और मैं फिर से कह रही हूँ, जिनको जिनका अमाउंट बढ़ चुका है रेफरेंस कोर्ट से, वो प्लीज़ ये अमाउंट को रिलीज करवाएं हाई कोर्ट में जाके, आपको वो पैसा मिल सकता है। ये नहीं है कि जब तक आपकी अपील ख़त्म नहीं होती तब तक के लिए आपको उस पैसे का वेट करना है। दैट मनी इज़ योर्स, यू कैन टेक इट फ्रॉम द कोर्ट प्रोवाइडेड यू गिव एन अंडरटेकिंग एज आई जस्ट सेड। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर सरकार ने अपील फाइल कर भी दी है तो भी आप सामने से अपील फाइल कर सकते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भी अभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जिनकी सरकार ने अपील फाइल कर दी थी और सरकार ने ये बोल दिया था कि रेफरेंस कोर्ट ने तो बड़ा ज़्यादा अमाउंट दे दिया, वी डू नॉट थिंक दैट इट इज़ फाइन एंड दी अमाउंट शुड इनफैक्ट बी रिड्यूस्ड एज पर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज, प्रिवेलिंग गाइडलाइंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट व्हेन द क्लाइंट केम टू अस, वी टोल्ड हिम दैट यू डेफिनेटली, आप और आपके सारे लीगल हेयर्स, बाकी सारे रिस्पोंडेंट्स भी, आप जा सकते हैं एक और अपील लेके। और हमने एक और अपील उनके नाम से फाइल करी है हाईकोर्ट में ही, और अभी उसमें उस अपील में अभी फिलहाल नोटिस इशू हुआ था, बट उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है तो उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं हर कोर्ट केस के। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे। आई होप जो जो भी लोग अफेक्टेड हैं इन लैंड एक्विजिशन से, वो बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। उनको ये पता होना चाहिए कि जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो या तो उन्हें सरकार देगी या फिर कोर्ट उन्हें वो पैसा दिलवाएगा। दीज आर फ्यू सच मैटर्स जहाँ पर मैंने देखा है कि जस्टिस होती है, हमेशा होती है। पैसा आपको मिलता है, पैसा अगर आपको कम दिया जाता है तो आपको अच्छा पैसा कोर्ट दिलवाता है। और देखो ना, अपील पेंडिंग है तब भी आप अपना पैसा निकलवा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि डिलेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपील तो चलती रहेगी। आप अपना पैसा निकलवाइए, आप अपना खुश रहिए, आप उसे यूज़ करिए। एंड विद दिस आई कैन जस्ट से कि अवेयर रहिए, लोगों को जानते रहिए, वीलॉगिश देखते रहिए। हम लोग आपके लिए बहुत सारी, हम लोग क्या, मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है लैंड एक्विजिशन अपील्स के बारे में। तो यहाँ बहुत सारी वीडियोस होती हैं, क्योंकि दैट इज़ वन सच एरिया इन विच आई प्रैक्टिस। एंड विद दिस आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट।
बाय फॉर नाउ, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ जितनी भी सारी है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इन केसेस में ज़्यादा होता है। मिलती हूँ आपसे दोबारा।